अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी अब्बा जी, की हाल है? ठीक ठाक है। हाँ जी हाँ जी। अच्छा अब्बा जी, ताड़ा ते अम्मा जी का ना मैं उमरे का टिकट करा दिता है, तो तुम इस दफा उमरे ते जाना है। हाँ जी हाँ जी। अच्छा अम्मी जी के पैरों अक्सर दर्द रहती ना, तो मैं उत्थे बंदोबस्त करता है कि उत्थे व्हील चेयर का भी बंदोबस्त हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा खाने का भी बंदोबस्त करता है, तो होटल भी बुक कराता है, तुहानू किसी किस्म की टेंशन नहीं होएगी। हाँ हाँ बेफिक्र हो जाओ, तुसी तुहानू गड्डी घरों लै के जाएगी, तो एयरपोर्ट पर भी छड़ के आएगी। अगों तुसी उत्थे पहुँचोगे तुहानू हर चीज़ की सहूलत मिलेगी, बेफिक्र हो जाओ तुहानू। ठीक है ठीक है अब्बा जी, ठीक है अब्बा जी। नहीं नहीं कोई बात नहीं अब्बा जी, ताड़ा पुत्र हाँ, मैं नहीं करांगा तो कौन करेगा। हाँ जी ठीक है अब्बा जी, ओके अल्लाह हाफिज़। सुनो, ताड़ी कोई कमेटी निकल आई है, बड़े खर्चे कर रहे हो। अब्बा जी मैं ना ताड़े ना उमरे दी टिकट करवा दीती है। अम्मी जी मैं ना ताड़े लिए व्हीलचेयर दा इंतजाम कर दिता है। मैं एक सूट मांग लवां ना ताड़े कोलों, ते तुहानू घर दे खर्चे याद आ जांदे ने। इह फीस देनी बच्चों की, इह बिल आ गया, इह कमेटी देनी है, इह राशन लियाना है। सुने मैं तुहानू कह दिता है, हुणे फोन करके ना ते प्रोग्राम कैंसल करो, नहीं तो रात की रोटी ना बाहरों इंतजाम कर लेना। वेखन की दह जे, करो ना फोन, प्रोग्राम कैंसल करो। कोई नहीं, उन्होंने वरी ना पानी वाकू पैसा बहा रहे हो, मेरे वरी तानू मौत पै जांदी है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अबू जी। ओ अबू जी, मैं किसी को पेमेंट लेनी सी, ते वो पेमेंट रुक गई मेरी। उन्होंने फोन आया कहते पैसे नहीं दे सकते, तो लिहाजा मैं तुम्हें उमरे तो नहीं भेज सकांगा, तो मैंने माफ़ कर देना। अम्मा जी ने कह देना कि थोड़ी परेशानी बन गई, तो इस दफा मुश्किल है। हाँ जी ठीक है, ओके अल्लाह हाफिज़। इस टाइम अब्बा जी का फोन। जी अबू जी। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। हाँ बेटा, कार कोई परेशानी नहीं अब्बा जी? नहीं नहीं बेटा, दमाद जी ने कहा सी के मैनू ते तेरी माँ नू उन्होंने उमरे ते भेजना है, इस हफ्ते दी टिकटां हो जाएगी, ते उन्होंने इनकार कर दिता है। मैं इस वास्ते परेशान हो गया, तेरी माँ भी परेशान है, सब खैरियत है ना? मैं पता करनी है की मसला है ना। जी ठीक है बेटा। ठीक है अब्बा जी, ठीक है, अल्लाह हाफिज। जाहिद मैनू माफ कर दो, मैं समझी कि तुसी अपने माँ बाप लिए उमरे की टिकट करवाई है, मैनू की पता सी कि तुसी मेरे माँ बाप लिए करवाई है। हालांकि देखो तुसी कदी भी मेरे और अपने माँ बाप से फर्क नहीं समझिया, और मैं ही हाँ कि हमेशा उन्होंने जलील करती रही हूँ, मैनू माफ कर दो प्लीज। बेगम कसूर तेरा नहीं, हर नौ का कसूर है। हर नौ यही सोचती है कि मेरा माँ प्यो मेरा है, तो शौहर का माँ प्यो वखरा है। हालांकि माँ प्यो तेरा होए या मेरा, माँ प्यो तो माँ प्यो होंगे ना। अच्छा बेगम कैसी हैरत की गल है, माँ प्यो सानू पालदा है, पाल के जवान करदा है, जदों असी जवान हो जाने फिर साड़ी शादी करदा है। ये सोचता है कि साड़ी बहू आएगी, साड़ी खिदमत करेगी, लेकिन इस तरह होंदा नहीं, होंदा सारा उल्टे। देख बेगम, लड़की दे माँ प्यो भी उन्हूं उंज ही पालदे ने जिवें मुंडे दे माँ प्यो पालदे ने, लेकिन लड़की ये नहीं सोचती, एक बहू एक नौ ये नहीं सोचती। सोच, अगर तेरी भाभी तेरे माँ प्यो नूं इसी तरह घरों कढ देवे, ते तेरे ते की बीतेगी, तेरे भरा ते की बीतेगी। ते लिहाजा जिहड़ी बेटी हुंदी या बहू हुंदी उन्हूं सोचना चाहिए कि जिवें मेरे माँ प्यो ने, मेरे शौहर दे भी उसी तरह माँ प्यो ने। अगर तुसी अपना माँ प्यो समझ के खिदमत करोगे ना, ते अजर ते मिलेगा नाल जन्नत भी मिलेगी। ते एक बहू नूं चाहिए कि उहदे पुत्र नूं उहदे माँ प्यो तो जुदा कदी ना करे, ताकि वो बेटा अपने माँ प्यो की खिदमत कर सके, तो वो बेटा तेरे माँ प्यो की भी खिदमत कर सके। तो लिहाजा तू परेशान ना हो, नाले मैं तेरी अम्मी अबू की टिकट कैंसल नहीं कराई, सिर्फ तेनों सबक सिखाने से सब कुछ किया। उन्होंने फोन करके कह दी तुसी उमरे ते जाना, वो टेंशन है। ठीक है जाहिद, मैं माफ कर दो,
बस अगे तो ख्याल रखें।